मध्य प्रदेश एटीएस ने हिजबुत तहरीर के कट्टरपंथी यासिर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि यासिर कट्टरपंथियों का सरगना है। दैनिक भास्कर ने यासिर की बीवी हुदा से बात की, जो पहले भूमिका थी। आखिर भोपाल की एमबीए पास भूमिका कैसे इस्लाम कबूल कर हुदा बनी, ये हमने उनसे जाना। साथ जो है वो लड़की है जिन्होंने यासिर से शादी की थी, लेकिन उनका यह कहना है कि वो जो है बिना दबाव के, जो है बिना प्रलोभन के, जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मैं 2015 से ही इस्लाम की तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझान था, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे उन लोगों को देखकर इस्लाम की टीचिंग से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। 2018 में मैंने ऑफिशियली मतलब कलमा पढ़ा और मैं ईमान ले आई। उसके बाद 2020 में मेरी शादी हुई इनसे। हिंदुओं में क्या होता है, नॉन मुस्लिम्स में लड़की जब पैदा होती है तो पैदा होते से ही माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे बड़ा करेंगे, इसका खर्चा, इसको पढ़ाना, फिर इसकी शादी करना। ये चीज़ मुझे इस्लाम की बहुत ज़्यादा टच की, बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से मुतासर हुई, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बेटी होती है तो उसको जन्नत की चाबी कहते हैं। ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तभी आ गया था, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, मुस्लिम कॉलीग्स मेरे टच में आए, तो मैंने उन लोगों को देखा, वो इतना पर्दा करते थे, अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करते थे, तो उनको देख देख के मुझे लगता था कि इन लोगों को कोई देखता क्यों नहीं है गंदी नज़रों से। खुद गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको मैंने देखा, पढ़ा, सुना, सारी चीज़ें सब कुछ समझने के बाद ही मैं इस्लाम में आई। जिस कंडीशन में गई हो वैसे ही चाहिए हमें, मतलब हमें पुरानी अपनी औलाद चाहिए, हमें हुदा नहीं चाहिए, हमें मतलब इस्लाम की गंदगी हमारे घर में नहीं चाहिए, तुम हमारे लिए मर चुकी। बस शादी हुई, शादी के पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पे तो बस देखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सोशल मीडिया पे मैंने उनको देखा था। बाकी जब मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर लोगों ने अप्रोच किया कि अब एमपी की लड़की है तो अब एमपी के लड़के से ही शादी करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने कोई गलती नहीं की, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, अल्लाह ताला उनको ज़रूर भेजेगा मेरे पास वापस। और अगर यही हमारी किस्मत में है, अगर अल्लाह के लिए वहाँ उनको रहना है तो इंशाल्लाह वो भी मंजूर है, मगर मैं ईमान से वापस नहीं फिरूंगी। बेबुनियाद है, इसमें कोई किसी तरीके की सच्चाई नहीं है। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और अगर वो कुरान की बात किसी और को बता रहा है तो क्या आतंकवादी हो गया वो? जिहाद तो इनका बनाया हुआ एक लफ्ज है, लव जिहाद जैसी कोई चीज इस्लाम में है ही नहीं। वो लव जिहाद नहीं होगा जो ये लोग हिंदू लड़के जो होते हैं मुस्लिम लड़कियों को अपने धर्म में कर लेते हैं। निश्चय से वो कहती है कि जो जिस इस्लाम में वो आई है आखिरी दम तक, मरते दम तक यही बनी रहेगी। शिवांकर के साथ योगेश पांडे, दैनिक भास्कर, भोपाल।